आजाद सिपाही एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आजाद सिपाही एक्सप्रेस में मैं राकेश सिंह लेकर आया हूं आपके लिए खबरों का पिटारा। इस पिटारे में झारखंड के इस कोने से उस कोने तक की खबरें भरी पड़ी हैं। फटाफट सुनिए, आजाद सिपाही राजधानी एक्सप्रेस। जेल से फरार अपराधी है रांची की निर्भया का हत्यारा। खुद को इंजीनियरिंग का छात्र बताकर की थी छात्रा से दोस्ती और किराए पर लिया था मकान। इसे 2.5 साल बाद सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। दूसरी खबर, हैकेथॉन में हुआ युवाओं का सम्मान। सीएम रघुवर बोले, युवा नौकरी मांगने वाले नहीं देने वाले बने। प्रधान सचिव डॉक्टर सुनील परनवाल ने कहा, स्टार्टअप पॉलिसी के तहत उद्योग के लिए छात्र ऋण का 2 साल तक ब्याज भरेगी सरकार। तीसरी खबर, झारखंड में याद किए गए डॉक्टर मुखर्जी। सीएम ने कहा, डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। चौथी खबर, लगातार हो रहे हमले से डॉक्टर भयभीत। सुरक्षा को लेकर रांची में स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी से मिले डॉक्टर। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग। पांचवी खबर, रांची में कार चोर गिरोह का खुलासा, 6 अपराधी गिरफ्तार। छठी खबर, पारा शिक्षकों की मौत का रिकॉर्ड नहीं मिलने से भड़के परियोजना निदेशक। 22 जिलों के DEO को पत्र भेज कर दिया निर्देश। अब बारी है आजाद सिपाही गढ़वा एक्सप्रेस की। भाजपा नेताओं ने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया। कहा, बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। दूसरी खबर, साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया की कार्यकारिणी समिति के सदस्य चुने गए शैलेंद्र कुमार पाठक। तीसरी खबर, महर्षि वेद व्यास परिषद 7 जुलाई को करेगा निषाद विद्यार्थी सम्मान समारोह का आयोजन। समाज के मेधावी छात्र होंगे सम्मानित। चौथी खबर, बंशीधर नगर में चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा की बैठक। महासभा के पुनर्गठन को लेकर हुई चर्चा। पांचवी खबर, कड़वा रोड 54 रेल खंड पर उत्तर प्रदेश के विधमगंज थाना क्षेत्र के घीवही गांव के समीप मालगाड़ी के टक्कर से ट्रैक्टर के परखच्चे उड़े। कोई हताहत नहीं। घटना शनिवार की रात लगभग 11 बजे घटी। छठी खबर, खराब पड़े चापा नलों की मरम्मत की मांग को लेकर पूर्व वार्ड सदस्य राजीव कमलापुरी की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल 3रे दिन भी जारी। पूर्व मंत्री रामचंद्र केसरी और चिप उपाध्यक्ष रेखा चौबे ने भी आंदोलन का किया समर्थन। सातवीं खबर, बंशीधर नगर के भवनाथपुर मुख्य मार्ग पर तुलसी दामर की सीता चुईया घाटी के समीप टेम्पो और मोटरसाइकिल की टक्कर में टेम्पो सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल। टेम्पो सवारी लेकर भवनाथपुर से बंशीधर नगर की ओर आ रही थी। अब बारी है आजाद सिपाही गुमला एक्सप्रेस की। पहली खबर, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली सानी वेलफेयर सोसाइटी ने भूखों के लिए चलाया लंगर। दूसरी खबर, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के लिए किसानों के बीच जागरूकता अभियान चला रहे हैं सिसई के CEO सुमन तिर्की। तीसरी खबर, गुमला में चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वार्षिक चुनाव 7 जुलाई को, अधिसूचना जारी। चौथी खबर, श्री नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व पर जागृति यात्रा पहुंची गुमला। कोलबीरा से स्वागत करते हुए रथ को लाया गया। चैम्बर और सिख समुदाय के विभिन्न संगठनों ने किया भव्य स्वागत। पांचवी खबर, मैं जनसंघ को कुचलने वाली मानसिकता को कुचल दूंगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर भाजपा नगर कमेटी ने मनाया बलिदान दिवस। अपारी है आजाद सिपाही हजारीबाग एक्सप्रेस की। पहली खबर, पानी बिजली की समस्या को लेकर उठी आवाज। झारखंड मुक्ति मोर्चा 25 जून को जिला मुख्यालय और बरही SDO कार्यालय में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करेगा। जिला मुख्यालय में जिलाध्यक्ष शंभूलाल यादव और बरही SDO कार्यालय में विनोद विश्वकर्मा के नेतृत्व में धरना दिया जाएगा। दूसरी खबर, चरही एरिया की झारखंड कोलियरियों से थम नहीं रही कोयले की तस्करी। पहले तो कोयला तस्कर गुपचुप तरीके से करते थे चोरी, अब कोयलरी के कोयला स्टॉक से ही हाईवा लगाकर हो रही चोरी। तीसरी खबर, विष्णुगढ़ में ससुर पतोह का रिश्ता हुआ तार तार। ससुर नागेश्वर महतो ने पतोह के साथ मुंह काला किया। पीड़िता ने विष्णुगढ़ थाना का दरवाजा खटखटाया। धारा 134/19 और 376 के तहत मामला दर्ज। अब बारी है आजाद सिपाही कोडरमा एक्सप्रेस की। पहली खबर, स्वच्छता और सफाई में कोडरमा जिला अव्वल, मिलेगा पुरस्कार। स्वच्छ सुंदर शौचालय प्रतियोगिता 2019 के लिए बेस्ट रिकॉग्निशन जिले के रूप में कोडरमा को जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। कोडरमा देश के उन 7 जिलों में से एक है जिन्हें ये पुरस्कार प्राप्त होगा। दूसरी खबर, जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए बना ऐप कोडरमा। झारखंड राज्य में पहली बार कोडरमा जिले में जिला प्रशासन द्वारा
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोडरमा ऐप विकसित किया गया है। इस ऐप में जिला प्रशासन द्वारा कोडरमा वासियों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गई है ताकि उन्हें कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े। तीसरी खबर, जिला मुख्यालय से सटा फुलवरिया आज भी है विकास की लौ से दूर। आजादी के 70 साल के बाद भी नहीं हुआ विकास। फुलवरिया में आज तक बिजली और पानी की सुविधा नहीं पहुंच पाई है। अब बारी है आजाद सिपाही लातेहार एक्सप्रेस की पहली खबर। उपायुक्त की सार्थक पहल से टोलों तक पहुंचा पानी, अब लोगों की बुझ रही है प्यास। दूसरी खबर, पहली बरसात में गिरा घर, सामुदायिक स्वास्थ्य उप केंद्र ने ली शरण। अब बारी है आजाद सिपाही चतरा एक्सप्रेस की पहली खबर। सुनील दांगी पर बिचौलियों ने किया जानलेवा हमला, घटना में शामिल लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। मनरेगा योजना में लूट की शिकायत करना महंगा पड़ा सुनील को। दूसरी खबर, चोरी की बाइक और हथियार के साथ तीन अपराधी गिरफ्तार। अब बारी है आजाद सिपाही महुआ डांड एक्सप्रेस की पहली खबर। श्यामा मुखर्जी को दी गई श्रद्धांजलि। अब बारी है आजाद सिपाही रामगढ़ एक्सप्रेस की पहली खबर। भाजपा जिला कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाई गई। दूसरी खबर, झारखंड ग्रामीण मजदूर सभा ने वन विभाग की कार्रवाई का किया विरोध। तीसरी खबर, महिलाओं ने उठाया स्वच्छता का बीड़ा, मिलकर की सफाई। चौथी खबर, चैम्बर ने व्यवसायियों से सुरक्षात्मक पहलुओं पर ध्यान देने की अपील की। अब बारी है आजाद सिपाही धनबाद एक्सप्रेस की पहली खबर। बलियापुर में दुपट्टे से झूलता मिला युवती का शव। दूसरी खबर, बीजेपी के जिला कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाई गई। तीसरी खबर, बंद क्वार्टर में बीसीसीएल कर्मी का शव मिलने से मचा हड़कंप। चौथी खबर, बिरसा मुंडा पार्क का सौंदर्यकरण से लेकर मेंटेनेंस अब निगम के हवाले। पांचवी खबर, लाखों की हेरोइन के साथ युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आजाद सिपाही एक्सप्रेस में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही, और आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।